बड़ी मुश्किल से आंख लगी है। धीरे से बोल। बाबू, वो मीना भाभी के हुआ छोटी बेनड़ी ने। बाबू कब से रो रही है गोदाम में, हालत बिगाड़ के रखी है अपनी उन्होंने। जाता अब तो कर्जदारों की लाइन मारे को हर रोज जिंदा मारेगी, हर रोज। सारा माल जल गया, हे भगवान तूने कहां कर डाला मारे को, उठा ले। बेनड़ी कैली हो गई है के, खुद को संभाल। पीसा तो हाथ का मैल हुए है। कहा बाबा, अरे हाथ तो साफ हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। मरी तो भूख प्यास में इस राख में कहा खो गए। अब उनका दाना भी ना ले पाऊंगी मैं बाबू, ऐसी भूखी प्यासी मर जाओगी बाबू। बस चुप हो जा छवि, जा ले जा छोटी बीनड़ी ने और कुछ खिला दे। चलिए भाभी, आइए भाभी। बेनड़ी जितनी जल्दी हो सके यहां की सफाई कर दे। यहाँ तो मिट्टी के तेल की गंध आ रही है। अच्छा, अरे हाँ भाभी, हो सकता है ना कि ये गंध उसी से आ रही हो। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ शार्ट सर्क्यूट। नहीं तो उसमें तो रबड़, प्लास्टिक या बिजली के तारों के जलने की गंध आती है। अच्छा, ये गंध तो कुछ अजीब सी ही है। ना तो जली तारे हैं और ना ही कोई बल्ब या ट्यूबलाइट। चतुरी, हमारे पास कोई बिजली चेक देखने वाला टेस्टर है क्या? वो हरे रंग वाला ना? हाँ हाँ है ना, मुझे लाकर दोगी? जी। ये लीजिए भाभी, यही है। चतुरी, इस लाइन में तो करंट ही नहीं है। यानी मेरा अंदाजा सही था। चतुरी, यह मेंस का है, वो बोर्ड जिसमें बड़े बड़े फ्यूज लगे होते हैं, बाहर है। चलो चलिए। भाभी चतुरी, इनमें से गोदाम का फ्यूज कौन सा है? ये वाला। पर ये फ्यूज तो निकला हुआ है, पर अगर फ्यूज ही नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? इसका मतलब आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट नहीं है, तो फिर आग लगी कैसे? क्या हुआ भाभी? चतुरी, गोदाम में चलकर देखना पड़ेगा। चलो। लेकिन अब उस राख में क्या मिलेगा? चतुरी जी, रसोई से चलनी ले आइए। चलनी? हाँ चलनी।
ये तो केरोसिन से सना है। ये लीजिए भाभी। भाभी मुझे वो छत से कपड़े उतारने हैं, आप कहो तो मैं जाऊं। चलिए